The water going from the beach. Thank you, sir. सर मायावती जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ प्रश्न उठाया और हमें अभी तक का ये ख्याल था कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में होंगे, लेकिन अभी अभी बताया कि लोकसभा एडजर्न हो गया है क्योंकि किसी माननीय सदस्य की मृत्यु की वजह से आज लोकसभा नहीं चल रहा। कल माननीय वित्त मंत्री आल पार्टी मीटिंग में थे और मैंने उसमें भी बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को विपक्ष के जो भावना है वो सुननी चाहे, क्योंकि आम तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आल पार्टी मीटिंग में भी आखिर के आधे या 15 मिनट के लिए आते हैं, तो तब तक मेन पॉलिटिकल पार्टीज, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बोल चुकी होती हैं। तब तक इंडिविजुअल या एक पार्टी वाला या नॉमिनेटेड मेंबर बोलता है, लेकिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज माननीय प्रधानमंत्री की अब्सेंस में बोलते हैं, तो जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी को विपक्ष के लीडरों की या बड़ी पार्टियों की भावनाएं, चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग में हो या सदन के अंदर हो, उसकी जानकारी नहीं होती है। और शायद मैंने कहा था कि अगर माननीय प्रधानमंत्री सभी विपक्ष के नेताओं की भाषण चाहे ऑल पार्टी मीटिंग में सुने या सदन के अंदर सुने, तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, बहुत चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी भी रह सकती है। तो चूंकि आज लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं हैं, तो मायावती जी ने जो मांग की थी, और मेरे ख्याल में सभी यादव जी की भी, शरद जी की भी और दूसरी पार्टीज की भी, सबकी वही मांग है कि माननीय, अब हमारे डिप्टी लीडर तो बोल चुके, लेकिन अभी भी माननीय बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स हैं, सामान्य लीडर्स हैं और बड़े सीनियर लीडर्स हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, शरद जी इधर ये भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मायावती जी, शरद यादव जी, हमारे प्रोफेसर यादव साहब, ये बहुत सभी पार्टीज के लीडर्स हैं, कम से कम इनकी भावनाएं तो सुने, वरना प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, विपक्ष क्या बोलता है, हम अलग अलग धारा में जा रहे हैं। तो अगर किसी कंक्लूजन पे आना है तो हम खाली, हम तो टेलीविजन पे माननीय प्रधानमंत्री को सुनते हैं, लेकिन हमारी आवाज तो टेलीविजन वाला भी नहीं दिखाता, अखबार वाला भी नहीं दिखाता, और प्रधानमंत्री भी जी नहीं सुनते, तो हमारी आवाज कौन सुनेगा और उस पर निर्णय कैसे होगा। इसलिए मेरी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम बड़ी पार्टीज, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो पूरे 2 दिन बैठे और सभी महानुभाव MPs की भावनाओं को समझें, लेकिन कम से कम जो बड़ी पार्टीज हैं 6-7, तो आज के दिन तो सदन में बैठे और उनकी भावनाएं सुने, ये मेरी मांग है माननीय प्रधानमंत्री। अगर वो चाहते हैं कि भाई 1 घंटा उनको है, तो हम सभी इंतजार भी कर सकते हैं लंच पे, लंच के बाद, और यादव जी लंच के बाद प्रधानमंत्री की प्रेजेंस में भाषण कर सकते हैं। तो मैं तो सरकार से इसके बारे में चाहूंगा कि सरकार का इसके बारे में क्या कहे। नहीं नहीं मैंने, अरे अरे आपकी भी बड़ी पार्टी है। ओके श्रीमान, बहुत मैंने शुरू ही, आप अपनी पार्टी को 6 पार्टी छोटी क्यों समझते हैं? पार्टी का सुनिए, छोटी पार्टी का नहीं सुनिए। आप अपनी छोटी पार्टी को छोटा क्यों समझते हैं? सभी पार्टी का, दिस इज अनफेयर, सभी पार्टी का सुनना है तो अच्छा है। भी है, आपके भी है, आपने चलो डिस्कशन की, ऑल आर इक्वल। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आई कॉल।